हाय गाइस, तो आज की वीडियो है सुपर इम्पॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जो कि दुबई, अबू धाबी और शारजा आने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन सभी मेजर सिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको किस तरह के कपड़े और क्या क्या ट्रैवल एसेंशियल्स पैक करने चाहिए कंसिडरिंग द वेदर कंडीशन एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ दिस प्लेसेस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और दुबई यूएई की मोस्ट पॉपुलर सिटी है, और दुबई एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के अलावा दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर वहां की खुद की पॉपुलेशन सबसे कम है, माइनॉरिटी में है 15%, और 85% एक्सपैट पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से दुबई आज की डेट में एक बहुत ही मॉडर्न और मल्टीकल्चरल सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वुमेन आपको अबाया और बिकनी दोनों में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन की कि दुबई किस तरह का रीजन है, बल्कि यूएई तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये रेगिस्तान के ऊपर बिल्ट हुई हुई एक बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक सिटी है। तो आप इसके रीजन से यहाँ के क्लाइमेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर सिटी के अलावा आउटस्कर्ट्स में हर जगह आपको रेत ही रेत देखने को मिलेगा, बिकॉज ये पूरा रेगिस्तान के ऊपर बसाया हुआ शहर है, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर जो है वो मोस्टली हॉट होता है एक्सेप्ट फॉर विंटर्स। विंटर्स में यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है, बट उसके अलावा जुलाई अगस्त आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन दुबई। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है और हमसे बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको दुबई में क्या पहनना चाहिए, क्या पहनना वहाँ पर अलाउड है, क्या हम वहाँ पर शॉर्ट्स स्कर्ट्स ड्रेसेस पहन सकते हैं या फिर हमें वहाँ पर अबाया पहनना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने इस वीडियो को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी। तो अगर पब्लिक प्लेसेस की बात की जाए जिसमें कि मॉल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट्स वगैरह जैसी जगहें आती हैं, तो वहाँ पर आप नॉर्मली कोई भी वेस्टर्न वेयर पहन सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जस्ट मेक श्योर दैट जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं इट्स नॉट टू मच रिवीलिंग और आपके प्राइवेट पार्ट्स पूरी तरह से कवर्ड हैं। एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू, और इफ़ यू आर वेयरिंग अ क्रॉप टॉप या फिर शॉर्ट्स तो वो एक्सट्रीमली शॉर्ट नहीं होने चाहिए। और अगर मॉस्क, अदर रिलीजियस प्लेसेस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पर यू शुड बी फुल्ली कवर्ड। यू कैन वेयर अ लॉन्ग ड्रेस और यू कैन कैरी अ लॉन्ग श्रग इन केस यू वांट टू वेयर एनीथिंग शॉर्ट इनसाइड फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे, और इफ यू आर वेयरिंग अ फुल पैंट एंड अ टी शर्ट with your hands covered, a blazer or a jacket, that is also fine. The point is that your body should be fully covered, like you see in the picture. और guys, हम दुबई के लिए customized itinerary, tours और visa services provide कराते हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई भी requirements हैं तो आप हमें इस email address पर email कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि डेजर्ट सफारी टूर के लिए आपको डेजर्ट के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए आपको बहुत ही कंफर्टेबल शॉर्ट्स या कॉटन पैंट्स एंड कॉटन शर्ट्स पहननी चाहिए। कॉटन या लिनन फैब्रिक इज़ एडवाइजेबल, जो भी ब्रीदेबल कपड़ा हो। डेनिम्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर समर्स बिकॉज डेनिम्स, नायलॉन, टाइट्स, लेगिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही, ये सारे फैब्रिक्स जो हैं ये सब बहुत ही स्किन टाइट मटेरियल होता है, ब्रीदेबल नहीं होता है, जिससे कि आप समर्स में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। और बिकॉज सैंड गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए विंटर्स में आप लेयर्स में कपड़े पहनें, बिकॉज डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है विंटर्स में। अब बात करते हैं बीचेस की। आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि दुबई अपने बीचेस के लिए भी बहुत फेमस है, और बीचेस पे आप स्विमवेयर, बिकनी, शॉर्ट्स सब कुछ पहन सकते हैं, सब कुछ अलाउड है, और फुल बॉडी स्विमवेयर जो होते हैं आप वो भी पहन सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो नायलॉन मटेरियल के ही हो, जो स्विमिंग के लिए ही हो,
ऐसे नहीं कि आपने अंदर कोई भी शॉर्ट्स पहना हुआ है या कुछ भी और आप पहन के उसको पानी में उतर गए, बिकॉज यहाँ पर हर जगह गार्ड्स होते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे इस तरह से और आपको पानी में नहीं जाने देंगे। तो अगर आप किसी वाटर पार्क में हैं या रिजॉर्ट में या फिर किसी पब्लिक बीच पे, तो मेक श्योर कि यू हैव प्रॉपर स्विम वेयर। और अगर आप बीच पर ही किसी कैफे या रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में जा रहे हैं तो मेक श्योर यू थ्रो समथिंग ऑन टॉप ऑफ योर स्विम वेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचे कि हम बीच पर ही तो हैं और आप किसी भी कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में अपने स्विम वेयर के साथ ही एंटर हो जाएं, बिकॉज ऐसा करने पर आपको भारी फाइन देना पड़ सकता है। तो दुबई के लिए बेस्ट रहता है कॉटन पैंट्स, कॉटन शॉर्ट्स, कॉटन टी शर्ट्स या शर्ट्स और साथ में एक कोई पतली हल्की लेयर जैकेट की आप कैरी कर सकते हैं, बिकॉज समर्स में भी इंडोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसी होता है हर जगह, रेस्टोरेंट, मॉल्स, थीम पार्क्स, तो आपको ठंड लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आउटडोर के लिए आप कोई भी ड्रेसेस, स्कर्ट्स, पैंट्स, क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, बट इंडोर के लिए एक जैकेट या एक लेयर रखना एडवाइजेबल होता है। और अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो समर्स में आपके लिए स्कर्ट्स, ड्रेसेस, शॉर्ट्स, टी शर्ट, इस तरह के कपड़े सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और दुबई में किसी भी वेदर के लिए कैप्स, हैट्स, शेड्स, सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अबूधाबी की बात की जाए तो अबूधाबी यहाँ की कैपिटल है यूएई की, बट वो दुबई के कंपैरिजन में थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, बिकॉज अबूधाबी में मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो लोकल्स की है, इसलिए यहाँ पर आपको मोस्टली वुमेन अबाया में और आदमी कंदूरा में दिखाई देंगे। बट नॉट टू वरी, यहाँ पर आप सारे वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं, बट इट शुडंट बी टू रिवीलिंग, स्पेशली इन द पब्लिक प्लेसेस। और गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई ट्रैवल के लिए कौन सा मंथ बेस्ट रहता है वेदर वाइज और कौन सा मंथ चीपेस्ट होता है, तो उसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर शारजा की बात की जाए तो शारजा जो है वो सबसे ज़्यादा इस्लामिक सिटी है यूएई की, तो अगर आप शारजा विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने जो भी पहना है वो नी लेंथ एंड अबव होना चाहिए। ट्राई टू बी फुल्ली कवर्ड व्हेन यू आर इन शारजा, या फिर आप अपने साथ एक रैपरॉन कैरी कर सकते हैं या फिर एक लॉन्ग श्रग या अबाया या कोई लॉन्ग ड्रेस, मैक्सी ड्रेस टाइप, बिकॉज कई जगहों पर वो आपको अंदर जाने से रोक सकते हैं इवन इफ़ यू आर वेयरिंग नी लेंथ से अबव स्कर्ट। एंड सेम इज़ फॉर मैन, लड़कों को भी वो शॉर्ट्स में अलाउ नहीं करते किसी भी जगह पर जाना, तो इसलिए शारजा के लिए आप प्लीज़ अकॉर्डिंगली ही ड्रेसअप करें। और गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि चाहते हैं कि फ़्लाइट, वीज़ा, होटल, खाना सब कुछ इंक्लूडेड हो पैकेज में और उनको खुद से कुछ भी ना करना पड़े, तो उस केस में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप जाके किसी भी ट्रैवल एजेंट से, किसी भी ट्रैवल कंपनी से अपना पैकेज बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि लोग कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा जगहें खुद से एक्सप्लोर कर पाएँ। और गाइज, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी लाइफ अपडेट से जुड़े रहने के लिए, जहाँ पर हम अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं, जिसे देख के आपको यूएई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और उसके अलावा यहाँ पर होने वाले सभी बिग इवेंट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Alright guys, तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो ये वाली वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम इस तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेशनल, यूजफुल और एंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।